और बारिश हो गया इधर और स्नोफॉल हो रही है मनाली में। काश हम भी भाई मनाली जा रहे होते, बट आज भाई ऐसा नहीं है। सुबह के 8 बजे आज हम जा रहे हैं भाई दिल्ली। स्टार्टिंग में मैं आपको बता देता हूँ क्योंकि मुझे पता है टाइटल में मैंने कुछ ऐसा ही डालना है मॉडिफिकेशन वगैरह से रिलेटेड। अब दिल्ली क्यों जा रहा हूँ आप समझ ही गए होंगे, भाई मॉडिफिकेशन वगैरह से रिलेटेड काम है इसलिए दिल्ली जा रहे हैं। मन तो है मनाली निकल जाओ भाई, आज इतनी तगड़ी स्नोफॉल हो रही है ना मनाली में। इधर देख लो कितना तूफान आ रहा है हमारे इधर और बारिश भी। दिल्ली जाने का मैंने आपको रीजन तो बता दिया भाई, कार में कुछ मॉडिफिकेशन है, बट क्या मॉडिफिकेशन है वो तो आप वीडियो में ना एंड तक बने रहना। बहुत ही सटल सी मॉडिफिकेशन ही कराने वालों में और ये मॉडिफिकेशन ही। चंडीगढ़ में तो भाई मैंने पूछ लिया था, इधर हो नहीं रहा था हिसाब किताब, तो मैंने सोचा अब दिल्ली ही जाना पड़ेगा। वैसे जिन्हें नहीं पता ये है Z8, इससे ऊपर केवल Z8L आती है और इनमें ना मेजर डिफरेंसेस 3-4 ही हैं, जैसे फ्रंट कैमरा हो गया, फ्रंट पार्किंग सेंसर हो गए, ये इलेक्ट्रॉनिक एडजस्टेबल सीट होगी और इधर वही सब वूफर्स आ जाते हैं, मतलब सोनी के स्पीकर आ जाते हैं। बस यही डिफरेंसेस हैं, इसके अलावा कोई डिफरेंसेस नहीं है। तो आप गेस करो भाई 3-4 डिफरेंसेस में से हम क्या इसमें करा रहे हैं ताकि इसकी लुक बिल्कुल ही Z8 वाली हो जाए और थोड़ी सी ना जो चीज हम करा रहे हैं उससे ना इन्हेंसमेंट भी एक चीज में मिलेगी। अगर मैं वो बता दूंगा किस चीज में मिलेगी तो आपको पता ही चल जाएगा भाई क्या मॉडिफिकेशन है क्या नहीं। बट उसी के साथ साथ भाई अब मैं यही सोच रहा हूँ कि दिल्ली तो जा रहा हूँ, दिल्ली में बस बर्फ कह रहा हूँ, बारिश ना हो रही हो, क्योंकि इधर तो आप हिसाब देख ही लो क्या है। मौसम का तो हाल आपने देख लिया भाई, कितने माड़े हाल हैं, इतनी बारिश, इतनी फॉग, बहुत ही आराम आराम से कार चलानी पड़ी। बट जैसे तैसे भाई हम पहुंच चुके हैं नीलकंठ, जो कि पड़ता है करनाल में, आउटस्कर्ट्स में करनाल के। और कार की हालत देख रहे हो भाई कितनी ज्यादा गंदी हो रखी है, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ भाई, फॉग और बारिश भर भर के। बट एनीवे चलते अंदर कुछ खाते हैं क्योंकि सुबह के निकले हुए, कुछ खाया पिया है नहीं। और इधर देख लो ईवी चार्जर लग रखा है ना, तो नेक्सॉन भी चार्ज हो रही है, दो नेक्सॉन हो रही है चार्ज। चलो जी खाना पीना डन, अब चलते हैं डायरेक्टली दिल्ली करोल बाग। और बारिश तो इधर रुक रखी है, ये देख लो, इसकी बात कर रहा था मैं, ये चार्जर लग रखा है। चलो भाई इतने जाम के बाद फाइनली पहुंच चुके हैं दिल्ली अपनी स्कॉर्पियो लेके। और फिलहाल मैं पहुंचा हूं भाई रामा रोड, इधर जय ऑटो करके हैं भाई, इनसे मेरी पहली बात हो गई थी। ये स्पेसिफिकली स्कॉर्पियो में ही डील करते हैं, तो मैंने सोचा ठीक है भाई इधर ही अपनी स्कॉर्पियो एन ले आते हैं। और इधर देख लो भाई सारी स्कॉर्पियो खड़ी है, इधर स्कॉर्पियो क्लासिक खड़ी है, इधर एन खड़ी है, इधर भी क्लासिक खड़ी है, अंदर भी दो एन खड़ी है, तो कुछ ना कुछ तो बात होगी भाई इनमें, तभी स्कॉर्पियो सारी इधर आती है। दूर दूर से आ रखी है राजस्थान वगैरह से भी, और देखो आपका यार चंडीगढ़ से भी इधर आ चुका है CH01CQ8345 लेके। तो अभी भाई जल्दी से काम स्टार्ट कराते हैं और मैं आपको बताता हूँ भाई इसमें क्या काम हो रहा है, जो मैं स्पेशली चंडीगढ़ से इधर आया हूँ क्योंकि चंडीगढ़ में भाई वो काम हो ही नहीं रहा था। चलो भाई काम स्टार्ट हो चुका है और इससे आपको आइडिया लग गया होगा क्या हम करा रहे हैं। जैसे Z8L में आता है ना, इधर सेंटर स्पीकर आते हैं, सोनी की ग्रिल आती है, वही मैं लगवा रहा हूँ। जैसे आपको पता है Z8 है और मेजर डिफरेंस ना यही आ जाता है। तो भाई ठीक है, अब इधर OEM लगेगा भाई सारा सामान, ये देख लो इसमें इसका स्पीकर आता है, अगेन OEM है, और स्क्रीन पे अब क्लिप चली रही होगी भाई, ओरिजिनल सोनी की ग्रिल भी आ जाती है। अच्छा इधर से पूरा डैशबोर्ड खुलता है भैया, वायरिंग के लिए। अच्छा अच्छा वायरिंग के लिए, बस भैया ये ध्यान में रखना कि जैसे डैशबोर्ड स्क्रैच से ना है, जो पेच कस के लग जाते हैं ना वो बड़े फिर गंदे से लगते हैं। अच्छा एक्स्ट्रा वायरिंग होती है? हाँ जी भैया। तो इसमें मतलब कि कुछ वायर कट वगैरह जो होता है? नहीं होती, कपलर में अटैच होती है। अच्छा अच्छा, ये स्टीरियो भी अभी बाहर आएगा क्या? नहीं, तो वायर स्पीकर से ले लेते हैं। अच्छा तो उससे अटैच हो जाएगी, ठीक है भाई। और ये है भाई इसकी ग्रिल, ठीक है अभी बाहर निकलेगी। वैसे मैं आपको दिखाई देता हूँ ऐसे एक बार, येलो सोनी की बैजिंग आपको दिख रही होगी, येलो सोनी, मेन भाई इसका ही पैसा है। कॉस्टिंग वगैरह तो अभी हम बाद में बात करते हैं जब भैया आएंगे बाहर। और स्पीकर अगेन मैं आपको क्लोजअप दिखा देता हूँ, ये है स्पीकर और भारी भी है भाई, अभी बाहर निकालते हैं। इधर मैं आपको पीछे दिखा देता हूँ, बैजिंग वगैरह तो ऐसा कुछ नहीं होती, बट हाँ महिंद्रा का जो ओरिजिनल आते हैं जो Z8L में होते हैं वो यही लगता है।
भाई बताओ, दिल्ली आए, दिल्ली में बारिश स्टार्ट होगी। अभी ये बता रहे हैं इससे पहले इधर बारिश नहीं थी, जहाँ पे जा रहा हूँ वहाँ पे बारिश आ रही है, क्या बात है। बट हाँ, अभी इंस्टॉलेशन का प्रोसेस चल रहा है भाई, बहुत ही सटल सा काम है। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, मैं ना इंस्टॉलेशन का भी आपको बता देता हूँ, जस्ट इन केस अगर आपके आदि जेडिट है, आपने स्पीकर इंस्टॉल कराने हैं। एक तो भाई स्पीकर एक्स्ट्रा हो जाता है, ऊपर से शो आ जाती है सामने डैशबोर्ड में। तो देखो वायरिंग ना उधर से जाती है और ना अंदर वाले कपलर से अटैच नहीं होती, जो पीछे वाला कपलर है ना जो स्पीकर का, इधर से अटैच करते हैं तो इसको स्पीकर को ना कनेक्शन मिल जाता है, फिर आपके सारे स्पीकर चलते हैं और दो ट्विटर तो इसमें आते ही हैं। जेडेड में मैं वही बता रहा हूँ भाई, फीचर लोडेड है, बस ये एक छोटी सी दिक्कत लगती थी मुझे। भाई ये स्पीकर का कनेक्शन तो हो चुका है, देखो स्पीकर लग चुका है, प्ले करके देख रहे हैं कि चल रहा है या नहीं, फर्क तो लग रहा है। मीट तो थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग लग रही थी। चल रहा है पीछे का, डन है। हाँ जी भाई, ये देखो इतना सा काम था, इसके लिए स्पेशली मैं चंडीगढ़ से आया था, बट सारा OEM होना चाहिए था। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था ना, सारा का सारा OEM हुआ है भाई काम, ये होता है बढ़िया काम। ये देखो बिल्कुल ही सारा 101% ओरिजिनल, और कहीं से भी कोई दिक्कत वाली बातचीत नहीं, कोई स्क्रू के निशान नहीं, जैसे मुझे लग रहा था कि कोई स्क्रू के निशान ना है। और इधर से भी ये दिखाना एक बार, बिल्कुल ही एग्जैक्ट है, कहीं से पता तो नहीं चलेगा है ना इंस्टॉल हो रखा है। वायरिंग अंडरग्राउंड आई है। हाँ सारी, मतलब पैरों पे कहीं पे नहीं आई है ना, बिल्डिंग से गई है ना सारी वायरिंग। चलो कर दो बंद, इधर से ही बंद कर दो भैया। ये लो भाई, अब आ चुकी है लुक हमारी Z8L वाली, बिल्कुल ही वुडन ट्रीटमेंट, क्या ही बात है भाई, सोनी की बैजिंग। ये लो काम तो हो चुका है, भाई ने बंद नहीं करा सही से, बंद भी हम कर देते हैं। ये डोर भी भीग गया भाई, बताओ क्या यार, बारिश भाई इतनी ज्यादा है और ये भाई वेस्टेज है हमारा। बट अब देखो भाई लुक कितनी ही बढ़िया आ रही है यार। बट ये है भाई, अगर आपको Z8L में Z8 में अपना ये काम कराना है, 15 मिनट का काम है, हार्डली 15 मिनट का। और मेन बात जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया, गेन में रिपीट करूंगा OEM, क्योंकि मैं आफ्टर मार्केट के बहुत ज्यादा गेन्स ही रहता हूँ। देखो मैंने और कुछ इसका नहीं छिड़वाया, ऐसा नहीं है कि मैं सबवूफर इंस्टॉल करा रहा हूँ, एम्प इंस्टॉल करा रहा हूँ। अब आपके माइंड में होगा भाई एम्प क्यों नहीं इंस्टॉल करा रहे, भाई देखो पर्सनल ओपिनियन है, अगेन मेरे एम्प में ना वो सर सर सी आवाज आती है, ऐसी ऐसी सी, मुझे बड़ी इरिटेटिंग सी लगती है। ऐसे तो पीछे सबवूफर की भी जगह, जैसे Z8L में सबवूफर आते ना वो भी मैं लगवा सकता हूँ, बट मैं कहा नहीं यार, जो मेन चीज है वो यही है, इससे मिड थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, बेस वगैरह में कोई दिक्कत है ही नहीं इसमें। दो ट्विटर, चार स्पीकर वैसे ही, अब एक और स्पीकर ऐड हो चुका है, तो भाई कहीं ना कहीं मौज हो चुकी है। बाकी बातें बाद में करते हैं, एक बार प्राइसिंग वगैरह तो पूछ लें। चलो यार, जय ऑटो के ओनर चामुंडा भैया आ चुके हैं, क्या हाल है भैया, कैसे हो? पहले तो भैया थैंक यू यार, आपने काम बहुत बढ़िया करा हमारे चंडीगढ़ में, मैंने पूछा था उधर तो मतलब OEM चीजें होती नहीं है। मेरी भैया से कल बात हुई थी, भैया ने कहा था OEM हमें सामान मिल जाएगा, बिल्कुल, और आपके सामने ही OEM पूरे बॉक्स पैक। हाँ, दूसरा बॉक्स भी है, वो मैंने दिखाया था पहले भी। हाँ जी हाँ जी, उसमें ग्रिल आया है। हाँ, और इसका भैया रेट क्या पड़ता है? जैसे इसमें स्पीकर का तो मेरे ख्याल से इसमें MRP है 1850 वगैरह, 96 समथिंग इसका आता है, फिर उसके बाद में इसकी वायरिंग वगैरह बनाना लगता है, ठीक है, फिटिंग वगैरह करके हम लोग 13,500 में फिटिंग वगैरह सब चीज करके अच्छा करवा देते हैं। विद स्पीकर इसका टोटल खर्चा आता है 13,500 जो OEM है, फिटिंग करके और आजकल जैसे मैं मतलब कि मैंने आपकी वीडियो में ही देखा था ऐसे YouTube पे कि सबवूफर वगैरह भी लग जाता है, तो मतलब अगर पूरा ऑडियो अपग्रेड कराना होता है Z8L वाला, तो सबवूफर वो OEM होता है क्या? OEM वाले में उतना मजा है नहीं। अच्छा, JBL के लगाते हैं इसके, तो फिर उसमें एम्प भी लगता होगा। हाँ, एम्पलीफायर भी लगता है, फिर उसके बाद इसकी जो साउंड है थोड़ी सी अच्छी आ जाता है। समझ गया। और वैसे तो Z8 है, तो इसमें ज्यादा मतलब कि कुछ कराने की जरूरत होती नहीं है, इसमें कमी ये रहेगा चार इधर। हाँ, तो इसके अलावा मतलब मेजरली आप पे तो जैसे Z2 और Z6 में होता है ना काम वगैरह, तो मतलब Z8 में इसके अलावा आपको कोई लगता है जरूरत का? कोई जरूरत नहीं, मतलब इसके अलावा इनफ ही रहता है। और वैसे जैसे मैं तो पहली बार आया हूँ, मुझे तो थोड़ी सी दिक्कत हुई आने में, तो एक बार आप एड्रेस वगैरह बताओ यार भैया, क्योंकि करोल बाग तो मुझे लग नहीं रहा कहीं से भी। नहीं नहीं नहीं, कीर्ति नगर रामा रोड है। अच्छा, गूगल पे जोटो रामा रोड डाल के आ सकते हैं। और फोन नंबर वगैरह सब कुछ भाई आपको स्क्रीन पे मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन पे भी मिल जाएगा। काम करवा रहे थे स्टाफ को देख करके ऐसे लगा कि कुछ अनारी से काम कर रहे हैं। नहीं, मैंने वीडियो में भी बोला है। हाँ। मतलब कि मैं कहा भाई बस डैशबोर्ड पे स्क्रैच ना भाई हो। हाँ। क्योंकि जैसे हम काम कराते हैं ना वो पेजकस से खोलते हैं तो डैशबोर्ड पे स्क्रैच आ जाते हैं, इसमें पता ही नहीं चल रहा। अगर मैं मतलब ये वीडियो वगैरह ना डालू कोई देखे बता ही नहीं सकता कि Z8 है Z8L है, जो अलग से लगा। हाँ, वही सब बातें आ जाती है, यही हो
होता है कि स्टाफ का जो काम करने का जो फिनिशिंग होता है ना, सबसे हाँ। बड़ी ये चीज होता है। एक छोटा सा भी लग जाए ना, अगर वो काम करते करते उसकी हाथ इस तरीके से सेट हो चुका है स्कॉर्पियो में कि आप टेंशन फ्री रहो। तभी तो मैंने आपको खुद कॉन्टेक्ट किया कि भाई स्कॉर्पियन, क्योंकि जब भी यूट्यूब पे सर्च करते हो तो जय ऑटो ही आते हैं स्कॉर्पियन में, मेजरली आप ही स्कॉर्पियन में करते हो। तो तभी भाई मैं आप सबको यही कह रहा हूँ कि अगर आपने स्कॉर्पियन में काम कराना है स्पेसिफिकली, तो आप इधर ही विजिट करें स्कॉर्पियन। और वैसे स्कॉर्पियो क्लासिक भी अभी हमें है ना, अंदर स्कॉर्पियो क्लासिक में भी काम हो रहा है। भाई दिल्ली से डायरेक्टली पहुंच चुका हूँ मैं करनाल, 9:30 हो चुके हैं। इधर लिया था पहला स्टॉप, इधर नया मैकडी खुला है और एक कैमरे को बतानी क्या हो चुका है भाई, ये देखना क्लैरिटी कैसी हो रखी है। 0.5x में तो ना यार जना खना आईफोन फटता है भाई, चाहे आप 15 ले लो 14 ले लो, अगर मैं बोल लूंगा 15 है लगेगा फ्लेक्स है तो समझिए जो भाई, ये देख लो 0.5x में क्या क्वालिटी है क्या नहीं। बट एनीवे इधर खा पी लिया, अब चलते हैं यार। दिल्ली से निकलने में भाई फट गई, इतना ज्यादा जाम मैं क्या ही बताऊं यार। और ऊपर से कार की हालत देख लो कैसी हो रखी है। अभी अंदर चलते हैं। अब जो कार की लुक आ रही है ना डैशबोर्ड की, भाई खतरनाक आ रही है। एंड ये देखो भाई डैशबोर्ड का अब कुछ ऐसा लुक आ रहा है बिल्कुल ही, जिसे कहते हैं फुल हवाबाजी हो चुकी है Z8L वाली, Z8 से Z8L बिल्कुल ही भाई इंटीरियर वाइज तो ये हो चुकी है। बट मेनली ना मुझे यही था कि यार साउंड सिस्टम इंप्रूव हो जाए, ऐसा कुछ नहीं था। ये तो देखो मस्ती मजाक की बात है कि हवाबाजी हो चुकी है। बट हाँ इससे मतलब ये 2.5 से 3 इंच का स्पीकर है, इससे ना आपकी मिड तो इंक्रीज हो जाती है, बेस भी आपको हल्की फुल्की फील हो जाती है। मतलब कि म्यूजिक सिस्टम है ना, मुझे वैसे भी कोई दिक्कत तो थी नहीं। और जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि भाई ये देख लो भाई कार हमारी कितनी चल चुकी है, 26,302 किलोमीटर। और ऑब्वियसली बात है हरियाणा में से अब चंडीगढ़ से फुल कराएंगे, क्योंकि चंडीगढ़ में 84 कुछ, हरियाणा में 89 कुछ, तो फर्क तो बहुत है। इसलिए अभी फुल नहीं कराया, ये तो कल फुल हो जाएगा। चलो ये चीजें छोड़ते हैं। बट हाँ मैं आपको ये बता रहा था कि अगर आपको भी साउंड सिस्टम इसका इंक्रीज करना है तो आप ये इंस्टॉल करा लो तो बातचीत बन जाएगी। वैसे देखो वेरी करता है पर्सन टू पर्सन, अगर आपको सबवूफर लगवाना है, एम्प लगवाना है, वो अलग बात है। मुझे तो भाई ऐसा पसंद नहीं है, वो आवाज आती है जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि अजीब अजीब से आवाज आती है, इसलिए मैंने सोचा कि OEM ही मैं रहने देता हूँ। मेनली इससे साउंड भी हमारी इंक्रीज हो चुकी है और लुक तो आप देख ही सकते हो भाई, दिन में भी आपने देख ली थी क्या ही आ रही है। बाकी यार आज मैंने ज्यादा ऐसा व्लॉग वगैरह नहीं करा क्योंकि मैं वैसे ही घर वालों के साथ ट्रैवल कर रहा हूँ। बट हाँ सुपर सून भाई ट्रैवल सीरीज आने वाली है, स्नो में हम जाने वाले हैं और मनाली वगैरह नहीं, बहुत ही अनडिस्कवर्ड जगह ये होने वाली है जहाँ पे हम जा रहे हैं। 4x4 इसका भाई यूज करेंगे, ये देखो 4x4 है ना, इसका भाई अच्छा खासा यूज होएगा। फिलहाल टाइम देख लो भाई 12 बजने वाले हैं। लास्ट क्लिप आपने करनाल की देखी होगी, अब बस मैं घर के पास पहुंच चुका हूँ। तो इस वीडियो को ना फिलहाल मैं यहीं पे एंड करता हूँ। आई होप आपको ये शॉर्ट एंड सिंपल वीडियो पसंद आई होगी। कॉस्टिंग की बात करें, जैसे मैंने आपको बताया 13,500 भाई इसकी कॉस्टिंग रहती है। जय ऑटो जो कि दिल्ली में है, आप उधर से भाई काम करा सकते हैं। मैं आप सबको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।